और अब खबर सियासत की है। महाराष्ट्र में आज हाई प्रोफाइल नामांकनों का दिन है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस आज नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से अपना पर्चा भरेंगे और उससे पहले अजीत पवार की एनसीपी ने सुबह सुबह दो हाई प्रोफाइल नेताओं की अपनी पार्टी में एंट्री करा दी है। हाल ही में मारे गए बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी एनसीपी में शामिल हुए हैं, साथ ही पूर्व मंत्री नवाब मलिक की बेटी सना मलिक की भी एनसीपी में एंट्री हो गई है। दोनों नेता अब एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। जीशान सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट से अपनी दावेदारी पेश करेंगे तो सना मलिक को अनुशक्ति नगर से उतारने का ऐलान हुआ है। जीशान सिद्दीकी और सना मलिक के साथ साथ बीजेपी नेता निशिकांत भोसले पाटिल और पूर्व बीजेपी सांसद संजय काका पाटिल भी एनसीपी में शामिल हुए हैं। सभी नेताओं ने अजीत पवार और सुनील तटकरे की मौजूदगी में एनसीपी की सदस्यता ली है। अब जीशान सिद्दीकी अभी बांद्रा ईस्ट से कांग्रेस विधायक है, लेकिन इस बार ये सीट शिवसेना उद्धव गुट के खाते में आ गई है। उद्धव की पार्टी ने इस सीट पर अपने उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने यहां से वरुण देसाई को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो आदित्य ठाकरे के कजन है। अब सीट शिवसेना के खाते में जाने के बाद से ही जीशान सिद्दीकी नाराज थे। अब उन्होंने एनसीपी का दामन थाम लिया है, जिससे वहां से टिकट मिला है। एनसीपी में शामिल होने के बाद जीशान सिद्दीकी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में बहुत सारे लोग रंग बदलते हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बांद्रा ईस्ट की जनता उनके साथ है और वो रिकॉर्ड मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। परिवार लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़ा रहा, क्या लगता है पार्टी ने बुरे वक्त में आपका साथ नहीं दिया? राहुल गांधी से बात हुई आपकी? नहीं, मेरी तो नहीं हुई, पर उनका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। पर देखिए, जब कठिन समय आता है तो बहुत से चेहरे के रंग बदलते हुए दिखते हैं और हमें भी बहुत रंग बदलते हैं। वो राजनीति में भी है और राजनीति के बाहर भी है, बहुत चेहरे जो है उनका रंग बदलता हुआ देखा है। पर मेरे पिताजी ने मुझे यही सिखाया है कि जो लड़ता है और अंत तक लड़ता है उसकी हमेशा जीत होती है। और हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, लड़ाई की है लोगों के लिए, गरीबों के लिए, और वही करते आ रहे हैं। महाविकास आघाड़ी ने बीच में भी इस कठिन समय में भी बहुत झूठे वादे किए, हिपोक्रेसी की सीमा पार की और फिर ऐसी कैंडिडेट अनाउंस कर दिया। कोई कह रहे थे अनअपोज करेंगे, कोई ये करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, वो देंगे। मैं ठीक है, मुझे लड़ाई से तो कोई परहेज नहीं है क्योंकि पूरी जनता मेरे साथ है और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री अब इस बार बांद्रे से देखेंगे। और जीशान सिद्दीकी के साथ साथ सना मलिक की एनसीपी में एंट्री हुई है और उन्हें मुंबई के अनुशक्ति नगर से टिकट मिला है। सना मलिक पूर्व मंत्री नवाब मलिक की बेटी हैं और एनसीपी में बगावत के बाद नवाब मलिक अजीत पवार कैंप में आ गए थे। अजीत पवार उन्हें टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी नवाब मलिक के नाम पर तैयार नहीं थी। नवाब मलिक भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं, यही वजह है कि यह मुद्दा कल अमित शाह के सामने महायुति के नेताओं की बैठक में भी उठा था। इसी के बाद नवाब मलिक की जगह उनकी बेटी को टिकट देने पर सहमति बनी।